जय श्री प्रभाती। स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम संकट कटे मिटे सपीरा में। मैं बजरंग बाबा आज आपके लिए लेकर आया हूं अगस्त राशिफल 2023 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अब बात करते हैं ग्रह गोचर की। सूर्य कर्क राशि के लग्न भाव में, मंगल बुध शुक्र सिंह राशि का द्वितीय भाव में, केतु तुला राशि के चतुर्थ भाव में, चंद्रमा मकर राशि का सप्तम भाव में, शनि कुंभ राशि के अष्टम भाव में, राहु बृहस्पति मेष राशि का दशम भाव में गोचर करेंगे। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक 1-2 तारीख को सप्तमस्थ चंद्रमा सुखदायक रहेगा। आप स्वयं के लिए, घर वालों के लिए समय निकाल पाएंगे। मन प्रसन्न व स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। 3-4 तारीख को आपकी साख गिर सकती है या कोई झूठा आरोप आप पर लगा सकता है। आपके मन में कई तरह की दुविधा रहेगी। सरकारी कर्मचारी को तबादले का भय रहेगा। घर में वातावरण तनावपूर्ण रहेगा। इस समय सतर्कता रखें, भाग्य साथ नहीं देगा। 5 और 6 तारीख को सरकारी विजय सूचक दिवस है। पढ़ाई कर रहे जातकों को कुछ नया सीखने की चाह रहेगी। घर में किसी त्योहार विशेष की तैयारी में व्यस्त रहेंगे। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे। 7 तारीख को शत्रु या विरोधी लाग चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब बात कर लेते हैं 8 अगस्त से 15 अगस्त तक। दिनांक 8 को सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। आप तड़क भड़क में विश्वास करेंगे। आप ज्यादा दिखावे के चक्कर में पैसा खर्च करेंगे। 9, 10, 11 को सर्व लाभकारी समय है। पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। नए नए साधन उपलब्ध होंगे। प्रेम संबंधों में नई ताजगी का एहसास होगा। अभी गोचरीय शनि कुंभ राशि में अष्टम मस्त हैं, अतः स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेंगे। किंतु आप योग व्यायाम आदि के द्वारा स्वयं को तंदुरुस्त रखेंगे। 12-13 तारीख को समय ठीक नहीं है। यदि कोर्ट कचहरी में प्रॉपर्टी या धन संपत्ति का मामला चल रहा है तो यह मामला आगे लटक सकता है। विद्यार्थीगण की पढ़ाई या उससे संबंधित परेशानी आएगी। 14-15 तारीख को समय में सुधार आ जाएगा। अब बात करते हैं 16 अगस्त से 23 अगस्त तक। दिनांक 16 को सम्मुख चंद्रमा की स्थिति शानदार फलों को देने वाली रहेगी। मन चाहा कार्य सानंद संपन्न होगा। 17 और 18 को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है। आप अपनी मैरिज लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, किंतु इस समय संतान को लेकर सचेत रहना होगा। 19 से 21 के मध्य समय आय प्राप्ति का रहेगा। मेहमानों और रिश्तेदारों को आगमन घर के वातावरण को और खुशहाल बनाएगा। अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के समय व्यतीत करेंगे। कैरियर में नए आयाम को छुएंगे। 22-23 को समय ठीक नहीं है। आप उदास रहेंगे। पति पत्नी के मध्य किसी तीसरे को लेकर झगड़ा हो सकता है। बढ़ते खर्च परेशानी का कारण बनेंगे। अब बात कर लेते हैं 24 अगस्त से 31 अगस्त तक। 24-25 को समय सामान्य आ जाएगा। भाग्य का साथ रहेगा। आप उल्लेखनीय सफलता की प्राप्ति करेंगे। दैनिक दिनचर्या अच्छी रहेगी। 26 से 28 मध्य समय आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। यह आत्मविश्वास आपको सफलता के पथ पर आगे बढ़ाएगा। जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें अच्छा फायदा हो सकता है। 29-30 को समय सुख शांति से व्यतीत होगा। जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से समझेंगे। नई वस्तु की खरीदारी करेंगे। साथ काम कर रहे जूनियर अपने सीनियर से अच्छा तालमेल बिठाएंगे। धन निवेश के योग बन रहे हैं। सूझबूझ से लिया गया निर्णय लाभकारी रहेगा। 31 को आपके स्वभाव में आलस्य रहेगा। ऐसे में आपको अपनी आदत से निजात पाना होगा। तो अब चलिए बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। महीने की शुभता की वृद्धि के लिए चंद्रकांत मणि कनिष्ठिका उंगली में 6 रत्ती का धारण करें। शिव आराधना करें। सोमवार को शहद मिश्रित दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं। पूर्णिमा की रात्रि में छत या बालकोनी में आकर चंद्र दर्शन करें तथा चंद्रमा को नमस्कार करें। कम से कम 15 मिनट चंद्रमा की रस्मों का सेवन करें। आपको विशेष लाभ होगा। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। बजरंग बाबा जी से जुड़ने के लिए
चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपके सवाल बालाजी दरबार। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी बजरंग बाबा जी से जुड़ सकते हैं।